वेलकम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साक्षी अवला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात कर रहे हैं, एक बार हमने क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स की बात की थी दारचीनी की कुछ दिन पहले, आज हम क्वीन ऑफ हार्मोनल हर्ब्स की बात कर रहे हैं। मैं जब एडाप्टोजेंस के बारे में बात करती हूँ, यानी वो सब्सटेंसेस, वो हर्ब्स भी, सब्सटेंसेस में हर्ब्स भी आ जाता है जो कि आपके पास जिस्म में मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, तो उस मामले में मैंने एक बार अश्वगंधा और एक बार तुलसी की बात की थी। आज मैं बात करना चाहती हूँ, अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि वो मर्दों के लिए एडाप्टोजन ज्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं क्वीन ऑफ हर्ब किसको कहा जाता है? क्वीन ऑफ हर्ब आपके पास शतावरी, ये बनी है शतावरी जड़ी बूटी, ये मेरे सप्लीमेंट का एक डब है, शतावरी जड़ी बूटी को कहा जाता है क्योंकि ये खवातीन के लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है हर चीज में, एनर्जी में, स्टेमिना इंक्रीज करने में, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में, इम्यूनिटी बूस्ट करने में, डाइजेशन बूस्ट करने में, स्किन अच्छी करने में, बीमारियों से बचाने में, हर चीज में आपके पास शतावरी जड़ी बूटी कमाल है। और ये जो शतावरी जड़ी बूटी, इसकी जो जड़ है, इसकी रूट हमारे पास यूज की जाती है। अगर इसकी न्यूट्रिएंट कंपोजिशन की बात करें, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, इसमें आपके पास लिनोलेनिक एसिड है। लिनोलेनिक एसिड वन ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड होता है हमारे पास, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है और उसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। और लिनोलेनिक एसिड आपके पास जितनी भी बीमारियां हैं इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो डायबिटीज हो, ये सब इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपके पास ऑटोइम्यून डिजीजेज हो, चाहे वो आपके पास ओबेसिटी हो, मोटापा हो, ये उसका भी इलाज है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। चाहे वो आपके पास ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर्स हो, खास करके हाशिमोटोस केस हो हाइपोथायरायडिज्म का, चाहे वो आपके पास जो है अल्जाइमर्स डिजीज हो, आपके पास लॉस ऑफ मेमोरी हो, आपके पास कैंसर हो, इन सब के अगेंस्ट लिनोलेनिक एसिड जो है आपको जबरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन फराहम करता है। विटामिन सी हमें पता है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हमारी बॉडी की सबसे अबंडेंट प्रोटीन कॉलेजन बनाने में हेल्प करती है जो कि हमारी स्किन को अच्छा करती है। कॉलेजन अच्छा होता है तो आपकी स्किन जवान ज्यादा रहती है, आपके ब्लड वेसल ज्यादा अच्छे रहते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शतावरी का बेहतरीन इस्तेमाल, सारी लड़कियां जो कंसीव करना चाहती हैं सबने शतावरी लेना है। इवन के प्रेग्नेंट अगर आप हो गए हैं, चौथे महीने से आप शतावरी ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। पहले तीन महीने आपने नहीं लेना, पहले तीन महीने आप कोई भी हर्ब्स नहीं लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपकी ओवरी, आपकी जो एग्स है उनको मैच्योर होने में हेल्प करती है, खास करके जो फॉलिकुलर फेज है उसमें ये बहुत ज्यादा आपके पास हेल्प करती है। किसी भी एज की लड़की, हर खातून के लिए जरूरी है 13 साल के बाद, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मिडिल एज की हो, चाहे वो बूढ़ी एज की हो। जिन लोगों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बहुत ज्यादा होता है, यानी पीरियड्स में पेन, हेडेक, क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, पेट फूल जाते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, उन्होंने मस्ट लेना, उनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, आप प्री मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जब आपके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, बॉडी को एज अ थ्रेट परसीव करती है, अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आपने शतावरी जड़ी बूटी का इस्तेमाल जरूर करना है क्योंकि ये एडाप्टोजन है। तो हार्मोन से एसोसिएटेड, चाहे आपके मूड में चेंजेस हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, इरिटेबिलिटी हो, बॉडी में एनर्जी कम लगती हो, लेथर्जी लगती हो, फटीग लगती हो, सुबह उठने का दिल ना करता हो, वर्जिश करने का दिल ना करता हो, सबसे मिलने का दिल ना करता हो, हर चीज में ये मैजिकल तरीके से जो है आपकी हेल्प कर सकती है। अदर देन दैट, आपके पास ये बाल मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, कॉन्स्टिपेशन में बड़े जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ये एज अ डायुरेटिक उनको हेल्प करती है, यानी पेशाब के थ्रू आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर करने में बड़े जबरदस्त तरीके से आपके पास हेल्प करती है। अदर देन दैट, इसकी जो तासीर होती है वो कड़वी और ठंडी होती है, यानी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करती है। थोड़ा सा ख्याल उन लोगों ने रखना है जिनका गला बहुत ज्यादा खराब रहता है, जिनकी बॉडी में डैम्पनेस रहती है, जिनके जिस्म की ऑयली तासीर है, उन लोगों को ये जड़ी बूटी इतनी ज्यादा सूट नहीं करती है। जो कुछ खास किस्म की मेडिकेशंस पे हैं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशंस पे हैं, वो मेडिकेशंस जो जिस्म को ठंडी तासीर देती है, उन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे से करनी है। बाकी सबके लिए ये बेहतरीन है, इट इज दी बेस्ट हर्ब। एवीनीस को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। शतावरी का नाम भी शात से आता है, यानी इसके 100 या 100 से ज्यादा आपके पास जो है वो इस्तेमाल है। इसमें हमारे पास, मैं अक्सर बात करती होती हूँ, जब मैं गोभी वगैरह की बात करूँ, सबसे पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूँ, मैं क्वर्सेटिन का नाम लेती होती हूँ। इसमें क्वर्सेटिन भी है, फाइटोकेमिकल्स भी हैं, ये आपके जिस्म को, जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनने से, फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म में बनते हैं तो सेल्स की तबाही शुरू होती है और सारी सोजिश से रिलेटेड बीमारियाँ शुरू होती है, उसको उसी टाइम पर उसी जड़ पर रोक देती है। और जितने भी लोगों को अगर पीरियड्स की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसका भी इलाज है, पीरियड्स की ब्लीडिंग कम होती है उसका भी इलाज है, जिसका एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है उसका भी इलाज है, एस्ट्रोजन लेवल कम है उसका भी इलाज है, खुद ही जाके बॉडी में डिटेक्ट कर लेती है उसको ज्यादा करना है कम करना है। और इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, पीसीओएस वाली लड़कियों को जो हम फाइटोएस्ट्रोजेन वाली डाइट देते हैं, गोभी देते हैं, उनको हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देते हैं, अनार देते हैं, बेरीज देते हैं, उसके साथ शतावरी जड़ी बूटी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी से जो जो फाइटोएस्ट्रोजेन होता है वो ज़ीनोएस्ट्रोजेन और टॉक्सिक एस्ट्रोजेन को जिगर से निकालने में मदद करता है, जिगर को डिटॉक्स करने में भी ये बेहतरीन तरीके से आपके पास मदद करता है।
मैंने अपने जो सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं होलिस्टिक विजडम बाय डॉक्टर सहर चावला के नाम से, वेबसाइट है www.holisticwisdombysaharchawla.com, कैप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी आपके पास, उस पर आप जाएं, आप ऑर्डर करें। हार्मोलेंस के नाम से मेरा सप्लीमेंट जो है वो मौजूद है, और दो तरह से हमेशा ये ऑर्गेनिक, मेरे सारे सप्लीमेंट्स 100% ऑर्गेनिक है, 100%। दो तरह से आपके पास जो है शतावरी जड़ी बूटी ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल होती है, पाउडर के फॉर्म में, एक सफ़ेद और एक पेल। मेरा जो है वो पेल वाला है, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा जो है तासीर वाला पाउडर है, और इसको आपने 1 से 1.5 टीस्पून जो है इस्तेमाल करना है। सोते वक्त इसको इस्तेमाल करना मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको रिलैक्स करते हैं, आपको नींद भी ज़्यादा अच्छी आती है, और सुबह आप थके ही नहीं उठते हैं। बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो इसका दूध में है। जिनको दूध सूट नहीं करता वो बादाम या नारियल या जौ के दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी चाय बना सकते हैं। ख़ास करके जिन लोगों का गला ख़राब रहता है, ठंड रहती है, वो इसको चाय की फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी इलायची उसके साथ मिक्स करके, बाकी इसके इस्तेमाल का तरीका और डोजेज इसके डब्बे पे भी मौजूद है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इनफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।